अरे कन्हैया जसदा बारे निक आए के धीर बधाना। और अगर न आए सुनो प्रभु तो सुरपुर होती रवाना। अरे कन्हैया जसदा बारे कयाई के वीर बनाना। हे श्याम अगर ने आए सुनो प्रभु तो सुरपुर होती रवाना। और क्या लिख रही है, जब से तुम्हारो नाम सुनो तब ही से पति मैंने माना। मैंने जब से तुम्हारा नाम सुना है तभी से तुम्हें अपना हृदय सम्राट बना लिया है। अरे जब से तुम्हारो नाम सुनो तब ही से पति मैंने माना। मन मंदिर में तुम्हें बसायो यार काहू जाना। तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु आज भूप शिशुपाल आ गयो लीनो नगर घेराई। शिशुपाल मुझे ब्याहने के लिए मेरे दरवाजे पर आ चुका है। मैं शिशुपाल की दुल्हन बन के नहीं जा सकती हूं। आज भूप शिशुपाल आ गयो लीनो नगर घेराई। और इसी के साथ एक से एक रुपया हमारे नाना जी सज्जन सिंह जी हैं, एक से एक रुपया हमें मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथियों को 50-50 रुपए सम्मानित किया है। और ये ओम और लक्ष्मी चांदी की मेहनत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। कृपा हो भगवान की, छत छाया बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। यही हाथ दान की तरफ अग्रसर बने रहें, भगवान भोलेनाथ भंडारे पर पूर्ण रखें। आज मेरे भगवत प्रेमियों रुक्मिणी लिखती जा रही है, अक्षर बिगड़ जाते हैं जब आंसू टपक पड़ते हैं तो पुनः फिर से बनाने लगती है। अरे आज भूप शिशुपाल आ गयो लीनो नगर घेराई। अरे धर के सिर पे मोहर आज मोको ब्याह न गो आई। और इसी के साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं श्री मलखान सिंह नाना जी, और इस सौल साथ में 51 रुपया हमें दक्षिणा भेंट की है। आशीर्वाद हो भगवान ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। भगवान की ऐसी कृपा बरसे, खुशियां ही खुशियां आती रहे घर में। और आज वो बेचारी क्या लिख रही है, अरे पल पल होती अबार प्रभु निक जल्दी दर्श करियो। हे श्याम पल पल
होती अबार श्यामन के जल्दी दर्श करियो। अरे पत्र भेजती भूमि तुम को पढ़ते ही चले आइयो। और अंतिम शब्दों में नीचे क्या लिख रही है बेचारी, अगर नहीं आए सुनो श्याम तो दासी को नहीं पाबो। अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना कि दासी तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती है। अगर नहीं आए सुनो श्याम तो दासी को नहीं पाबो। मेरे दिल में याद लगी जा दिल की याद बुझाबो। आज पत्र लिख करके तैयार कर दिया और पंडित जी के हाथ में वो पत्र दे दिया है। पत्र हाथ में दे दिया पंडित जी महाराज, पत्र लेकर के चल पड़े हैं। द्वारका की लीनी सीधी लगाई लंबो रास्ता चलो न जावे। अरे मन में सोचे करे विचार कैसे पहुंचूं आज द्वारका। अरे हम पे आज चलो ना जाए अब सुध ले ले बंसी वाले। हमको राह दिए बताई अब सुध ले ले मुरली वाले। लेकिन चला नहीं जा रहा है, बुजुर्ग शरीर है, चलते चलते थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, लेट जाते हैं। चलत चलत अब ब्राह्मण थक गए तो रतई आसन लियो लगाई। सोए गओ गहरी नींद में ब्राह्मण। अरे कब ने माया दई दिखाई योग माया को दियो इशारो। द्वारका में बेलियो लिटाई नींद खुली है जब ब्राह्मण की। देखी बाने नजर पसार नींद खुली है जब ब्राह्मण की। मेरे भैया आज जैसे ही पंडित जी चलते चलते थक जाते हैं, वृक्ष के नीचे आसन लगा के लेट जाते हैं, नींद आ गई सो जाते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरी प्यारी रुक्मिणी ने जिस ब्राह्मण को भेजा है पत्र लेकर के, वो भी पंडित जी सो गए और समय से अगर मेरे पास नहीं आ पाए तो बात नहीं बनेगी। अपनी योग्य माया के द्वारा पंडित जी को द्वारका के निकट में लिटा लिया है। और जैसे ही पंडित जी की नींद खुली तो क्या देखा कि जब मैं सोया था तब यहां कोई नगर पास में नहीं था। एक कौन सा नगर है? चला आगे चल के पहुंचते हैं। पंडित जी आगे बढ़े, कुछ द्वारपाल मिल गए, उनसे पूछा भाई ये कौन सा नगर है? ये द्वारका छह। द्वारका छह। अब पंडित जी ने सोचा कि मैं जाना तो था द्वारका में जाना चाहता था, लेकिन है तो ये द्वारका, लेकिन यहाँ द्वारका छह है। भैया वो द्वारका कौन सी है जिसमें कन्हैया रहते हैं? कन्हैया रावण छह। कन्हैया छह जी। लड़की ने भावे भी डालता हुआ, अब बता जाओ द्वारका छह कन्हैया छह। अब ये पत्र हम कौन से को पकड़ाए दे, कहूं दूसरे कन्हैया के पास ना पहुंच जाए तो खाम खाम राय तो सुबह लो फिर। पंडित जी की भाषा को सुन करके, आवाज सुन करके वो द्वारपाल समझ गया कि पंडित जी मुझे लगता है पूरब से आए। पंडित जी क्या तुम पूरब से आए हो? हाँ। यही बात है इसलिए तुम समझ नहीं सके। हमारे यहां जो छह बोलते हैं ना और तुम्हारे यहां बोलते हैं है। अच्छा। तो यही फर्क है, तुमने समझ नहीं पाया, यही द्वारका है, चक्कर में पड़ गए और इसी में कन्हैया रहते हैं। ए लला। हाँ। तब तक काय छक्कारे छोड़े फिर रहा कन्हैया छे द्वारका छे। पंडित जी हाँ अब ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो?
हमें हाँ हमें मिलना है श्याम सुंदर से। अच्छा श्याम से मिलना है तो हम तुम्हें पता भी बता दें। बताइए यहाँ से आप सीधे जाओ और देखो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा है ना, ये उन्हीं का है श्याम सुंदर मुरली मनोहर का। और पहचान भी बता दें, जो सामरे सामरे है ना वो तो है कृष्ण, और जो गोरे हैं वो उनके बड़े भैया हैं बलराम। पहचान बता दी पंडित जी चल पड़े हैं। और जैसे ही पंडित जी महाराज दरबार में पहुंचे श्याम को सब कुछ पता है, बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया और भोजन की व्यवस्था कराई। शाम का वक्त होने को आ गया था, पंडित जी को भोजन कराया और सुंदर से आसन पर लिटा दिया है। धीरे धीरे कृष्ण भगवान ब्राह्मण के चरण दबाने लगे हैं। पंडित जी ने तब वो पत्र निकाल के दिया जो रुक्मिणी ने लिखा था, और जैसे ही पत्र खोल के पढ़ा है, पत्र खोल के पढ़ा समझ गए। और पंडित जी भी कहने लगे, सुनो श्याम तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो रुक्मिणी अपने प्राणों की आहुति लगा देगी, वो शिशुपाल की दुल्हन बन के नहीं जा सकती है। हाँ इस तरीके से बातें हो रही हैं। भगवान ने कहा पंडित जी हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो सही, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि मेरे भैया हमें कहीं जाने नहीं देते, मेरे भैया हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में थोड़ा मेरा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। और दूसरी बात, हम चलेंगे तुम्हारे साथ इस प्रकार तुम एक काम कर लो, तो सवेरे जब घर से निकलो ना तो खांसी के दरवाजे पे बैठ जाइयो, ठीक है, और भैया ना आ पाए उससे पहले ये भी ध्यान रखना, और हम जो है तुम्हारी पीठ सहराएंगे, उसके बाद हम सूचना भेजेंगे भैया के पास, फिर भाई को बुलाएंगे, भैया पूछेंगे क्या हो गया, तो हम कहेंगे पंडित जी ये बुजुर्ग हैं अपने यहां से जा रहे और बाई चांस दरवाजे पे मर गए, चलो तो जाने रहो, तो सबको ब्रह्म हत्या लग जाए। और भैया की अगर आज्ञा हो गई, भाई ने कह दिया कि नहीं छोड़ के आओ, तो फिर तुम्हारे संग चले और कुंदनपुर तक। अच्छा हाँ इस प्रकार बातें हो रही हैं। लेकिन उधर रुक्मिणी को नींद नहीं आ रही है, घुटनों में मुंह छुपा करके फपक फपक के रो रही है। और क्या कह रही है रुक्मिणी, अब तक क्यों ना आए रे ना आए रे कन्हैया मेरे काना मेरे काना, श्याम आप क्यों नहीं आए, बेचारी रो रही है। और आंसू पहुंच लेती है, अब तक क्यों ना आए रे ना आए रे कन्हैया मेरे काना मेरे प्रभु जानने वाले तेरे
हरे रोकी मेरी बिलख रही है, इधर रोके मेरी बिलख रही है। हरे लोकाष्टी कन्हैया मेरे काना, मेरे काना काना। आज भैया बेचारी बोधर दुखी है, धीरे धीरे सुबह हुआ, पंडित जी से बात हो ही गई है, पंडित जी ने वैसा ही किया है, खांसी के बैठ गए, श्याम सुंदर आए, पीठ सहराने लगे हैं, इधर बलराम ने जाना है, बलराम आए, कहने लगे हैं क्या हो गया कन्हैया। उसी समय कहा भैया जी ब्राह्मण बूढ़ो है और चलो जाए ना रहो अपने घर, जा रहे हो ब्राह्मण, बाई चांस दरवाजे पे मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाए, और आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो हम पंडित जी को छोड़ आए। बलराम भैया ने कहा ठीक है, शीघ्र जाओ, जल्दी से इसी समय छोड़ करके आओ। एकदम रथ सजाया और रथ में बिठाया, लेकर के चल पड़े हैं। पंडित जी को रथ में बिठा करके इतनी तेजी से रथ चलाया, भगवान ने इतनी तेजी से चलाया कि कुछ ही क्षणों में वो रथ था भीष्म के बाग में उतार दिया है। और बाग में एक मंदिर है, मंदिर के पीछे रथ खड़ा कर लिया और कहा पंडित जी आप जाओ रुक्मिणी को पूजा के बहाने इसी मंदिर में भेज देना। पंडित जी चल पड़े, उधर रुक्मिणी इंतजार कर रही कि हमने पंडित जी को भेजा भी लौट के नहीं आए, और जैसे ही पंडित जी को देखा रुक्मिणी कहने लगी आप आ गए, पंडित जी आ गए हैं, आ गए, लेकिन जब बताओ भी कहां है, आए कि नहीं आए, मेरे खेमे जेब में सुलकान ले। काहे पंडित जी तुम ऐसी बातें काहे कर रहे हो, तूने रोटी की पूछी ना पानी की पूछी, बे आए पंडित जी। हाँ तुम्हें जी तो पता है कि रोटी पानी को अब समय नहीं मेरे पास, अच्छा कभी समय मिल जाए ना तुम्हें तो फिर मेरी द्वारिका में आइयो तो खूब अच्छे ढंग से भोजन कराए पंडित जी, खूब दक्षिणा दे लली। हाँ कोई पता नहीं जीवन में पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, मर गए। नहीं नहीं पंडित जी ऐसे मत कहो, तुम्हारी हजारों वर्ष लंबी उम्र हो। और जा मंदिर के पीछे खड़े मिल्ली उनते जाए। अच्छा मंदिर के पीछे बाग में। हाँ ठीक है पंडित जी तुम निकल लो पत्री के लिए है के। पंडित जी चले जाते हैं। अब रुक्मिणी अपनी मैया के पास पहुंची, कहने लगी मैया मेरे ऐसो मन कर रहे हो कि मैं पूजा कर भी जाती मंदिर में। करे आओ बिटिया। रुक्मिणी की माँ ने कहा कि दो चार सखियों को साथ में बुला के तब जाना पूजा करने। दो चार सखियों को बुला लिया, आरती की थाली सजा ली और जैसे ही घर से चलने को तैयार भई, सोचन लगी कि आज मैं अपनी मैया से बिछुड़ के जा रही हूं और मैंने अपनी माँ से भी नहीं कहा, इसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना प्रेम किया, अरे कम से कम माँ से कंधा तो लगा ही लू। तो लौट आई और बोली कि मैया आज हमें रोए हुए आ रहे हो, क्योंकि मेरी मैया मिल ले ना भूजा तो सारी अब के तो बिछुड़े कब मिलेंगे, मिल ले ना भूजा तो रुक्मिणी की माँ कहने लगी हैं कहाँ जा रही है भैया, कहाँ जा रही है, फिर क्यों रो रही भैया, अबे तो ब्याह के क्यों दिन आए हैं, एक दिन गैया को भूखा छोड़ लो पत्तू है, अच्छा और एक दिन मिट्टी उतरी चली जाई भैया सुबह, आज ही रोई ले रही हूँ नहीं मानिए, आज ही जा रही है तेरी नदी, आज ही जा रही। हाँ तू चली चली बातें कैसी कर रही है आज है। रुक्मिणी समझाए बोली मैया बचपन में मैया तूने सुख दिया मुको, बचपन में मैया तूने सुख दिया मुको, इसलिए मैया मेरी मैया मिल ले ना हो जा तो पर सा
कब के तो बिछड़े कब मिलेंगे चल हो गया तेरा मुलना जुलना शीघ्र जल्दी जा और पूजा करके जल्दी वापस आना। सहेलियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी बढ़ती जा रही है। दो चार सखियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ी है और क्या कहती जा रही है कि मंदिर में दौड़ी चली आऊंगी और श्याम हमको पुकारे मंदिर में दौड़ी चली आऊंगी कान्हा हमको पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी पड़ी नहीं किसी और की छाया पड़ी नहीं किसी और की छाया पड़ी नहीं किसी